हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द अदर वीडियो ऑफ प्रोग्रामिंग दुनिया। फ्रेंड्स, हमारे आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं सिलेक्ट कमांड का सबसे कंफ्यूजिंग कीवर्ड। सिलेक्ट कमांड का वो कीवर्ड जो कि सबसे ज्यादा स्टूडेंट्स को डराता है, या बात करी जाए ऐसा कीवर्ड जिसका यूज करने से मैक्सिमम टाइम स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं। दैट पर्टिकुलर कीवर्ड इज लाइक कीवर्ड, जिसे हम कह सकते हैं फ्रेंड्स पैटर्न मैचिंग। यानी कि अभी तक जो हमने सिलेक्ट की जितनी भी कमांड्स पढ़ी थी, वहां पे हमने वेयर के अंदर हमेशा इक्वालिटी का साइन या लेस देन का साइन या ग्रेटर देन का साइन, रिलेशनल ऑपरेटर्स यूज करे थे, और कंडीशंस कैसी थी जो कि वैल्यू चेकिंग की कंडीशंस थी। अब हमारे पास में इस पर्टिकुलर वीडियो के थ्रू मैं जो आपको सिखाने वाला हूं वो है हमारी पैटर्न मैचिंग। पैटर्न मैचिंग मतलब हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है कि हमें एग्जैक्ट यही नाम चाहिए, हम उससे मिलते जुलते सारे सिमिलैरिटी वाले ऑप्शंस को डिस्प्ले कराएंगे। सो ये चीज किसके थ्रू पॉसिबल है और कौन सा कीवर्ड यहाँ पे लगने वाला है, पूरा मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। एंड वो दो सिंबल जिन्हें हम कह सकते हैं वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स, उनके बारे में भी मैं आपको पूरा डिटेल में बताऊंगा कि कौन से दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स का हम यहाँ पे यूज करेंगे सिलेक्शन के लिए। सो स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। फ्रेंड्स, हमारा पासवर्ड MySQL का अगेन इट इज द सेम एज रूट, हमने यूज करा हमारा डेटाबेस आईपी एंड हमारी टेबल जिसे हम शुरू से फॉलो करते हुए आ रहे हैं, विच इज सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट। आप देख सकते हैं हमारा डेटा हमारे पास में रेडी है और बिल्कुल तैयार है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, अगर बात करी जाए इस टेबल में, जो मैं पैटर्न मैचिंग की बात कर रहा था, जो मैं यहाँ पे लाइक कीवर्ड की बात करके चल रहा था, एंड उस लाइक कीवर्ड से रिलेटेड जो मैं आपको दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स पढ़ाने वाला हूं, सबसे ज्यादा वो किस चीज पे वर्क करते हैं फ्रेंड्स, ऐसे कॉलम पे जिसकी वैल्यूज हैं कैर एंड वेर कैर टाइप की। क्लियर? यानी कि या तो मैं बात करूंगा एस नेम कॉलम की, या हम सिलेक्शन कर सकते हैं ग्रेड वाली वैल्यूज के ऊपर। क्लियर? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज पहले ही मैं आपको क्लियर करूं, जब भी आप लाइक लगाएं, जब भी आप लाइक का यूज करके चले, कोशिश यही कीजिएगा कि वो कौन से कॉलम पे लगे या कौन से कॉलम की क्वेरीज पर वो एप्लीकेबल होगा। हमेशा कैर वेर कैर या डेट टाइप की वैल्यूज जिसमें हम सिंगल कोट्स डबल कोट्स का यूज कर पाएंगे। क्लियर फ्रेंड्स? तो स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए पहले मैं आपको लाइक के थ्रू जो हमारे दोनों वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स है उनका यूज बताने वाला हूं। क्लियर? तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वीडियो। मुझे मेरा सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें है, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए फ्रेंड्स जिसके नेम की बिगिनिंग ए से होती है। क्लियर फ्रेंड्स? मेरा फिर से बहुत सिंपल सा बहुत अच्छा सा क्वेश्चन, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसके नेम की बिगिनिंग किससे होती है फ्रेंड्स, ए से। यानी कि रिकॉर्ड किस किस का मिलेगा, अजय अंकित एज वेल एज अक्की। क्लियर? क्या क्वेरी होगी आप चेक कीजिएगा फटाफट। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट अप्लाई करते हैं वेयर। अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो यहां सीखने वाली है, अप्लाई कैसे कर रहे हैं, एस नेम लाइक। क्लियर फ्रेंड्स? जिसमें जो नेम है वो कैसा है, सिंगल कोट्स में अप्लाई करेंगे और लिखेंगे शुरुआत बिगिनिंग किससे होने वाली है फ्रेंड्स, क्वेश्चन में बताया हुआ है ए से। तो सबसे पहले आप लिखोगे ए, क्योंकि बिगिनिंग में यही मिलना था। अब आगे कितने अल्फाबेट हो सकते हैं ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। जैसे अजय नाम है, यहां है जे ए वाई, तो अब मैं यहां क्या करूंगा, जे ए वाई लिखू, दूसरे नाम में फिर आ जाता है एन के आई टी, क्या मैं अंकित के लिए एन के आई टी लिखू या अक्की के लिए डबल के आई लिखू। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा हमारे पहले वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर ने, जो कि सिंबल है परसेंट। परसेंट का सिंबल एक्चुअली यहां पे क्या चीज बताता है, मल्टीपल कैरेक्टर सिलेक्शन। यानी कि आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बस बिगिनिंग का ए चेक करो, इस ए के बाद में चाहे एक भी कैरेक्टर नहीं हो, चाहे एक हो, चाहे एक से कितने भी हो, ज्यादा कितने भी हो, मैं सबकी काउंटिंग कर दूंगा और पूरा डेटा डिस्प्ले कराऊंगा। कौन सा कीवर्ड बोलता है ये चीज फ्रेंड्स, हमारा परसेंट का सिंबल। क्लियर? तो यानी कि ये चीज, ये क्वेरी क्या बोल रही है, हमें उस स्टूडेंट का नाम या उस स्टूडेंट का सारा डेटा सिलेक्ट करना है जिसके नाम की स्टार्टिंग किससे हो रही है, ए से। उसके अलावा उसमें उसके ए के बाद में कितने भी कैरेक्टर्स हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, फर्स्ट पोजिशन पे क्या मिलना चाहिए, ए मिलना चाहिए हमें। क्लियर? सेमी कोलन लगाते हैं एंड चेक करते हैं कि क्या हमारा आउटपुट होने वाला। आपके सामने हमारा रिजल्ट है, तीनों रिकॉर्ड हमारे मौजूद है, अजय अंकित एंड अक्की। क्लियर फ्रेंड्स? इसी क्वेरी को थोड़ा सा चेंज करते हैं। अब मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसके नेम की एंडिंग, बहुत सिंपल वर्ड में बोल रहा हूं, जिसके नेम की एंडिंग
एच से होने वाली। तो किस किस का फ्रेंड्स डेटा सिलेक्ट होने वाला है? हमारे राजेश एंड भावेश का डेटा सिलेक्शन होना चाहिए यहाँ पे, जो दोनों वैल्यूज है हमारी, ये दोनों सिलेक्ट होनी चाहिए, क्योंकि इनके नेम की एंडिंग किससे होने वाली है फ्रेंड्स? एच से एंडिंग होने वाली है। तो अगर इसकी बात करके चले, ये क्वेरी हमारी होने वाली है, यहाँ पर हम यूज कर सकते हैं हमारे लिए जो कमांड है सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, हमारी कंडीशन हो जाएगी वेयर एस नेम लाइक, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज एंडिंग विथ एच, तो आखिरी में तो एच लिख दिया, बट उससे स्टार्टिंग में क्या बहुत सारे अल्फाबेट हो सकते हैं, एक भी नहीं हो सकता, कुछ भी कॉम्बिनेशन बन सकता है, तो एक या एक से ज्यादा या बिल्कुल ही कुछ भी नहीं, सब चीजों के लिए जो सिंबल यहां पर है वो सिंबल है फ्रेंड्स हमारा कौन सा, परसेंट का सिंबल, यानी कि परसेंट हमारा वो सिंबल है जो कि मल्टीपल सिलेक्शन में हमारी मदद करेगा फ्रेंड्स, क्लियर। तो ये कुछ क्या चीज कहना चाह रहा है कि बस नाम की एंडिंग आखिरी अल्फाबेट जिसका क्या होना चाहिए, एच होना चाहिए, शुरुआत में कितने भी अल्फाबेट्स हो चाहे एक भी नहीं हो सकता है किसी का नाम सिर्फ एच ही लिखा हो अपन ने यहां पर, तो उसका डेटा भी सिलेक्ट हो जाएगा, हो सकता है एक एक हो या एक से ज्यादा हो, सबका डेटा यहां पर सिलेक्ट हो जाएगा जिसके नेम की एंडिंग किससे हो रही होगी फ्रेंड्स, एच से हो रही होगी, क्लियर। तो सेमी कोलन अप्लाई करते हैं यहाँ पे लास्ट में, आखिरी में जो हमारा सेमी कोलन है वो अप्लाई करा एंड एंटर की प्रेस करते के साथ ही आप देख सकते हैं हमारे दोनों रिकॉर्ड मौजूद है, एक का नाम है राजेश और एक का नाम है फ्रेंड्स भवेश, क्लियर। अच्छा अब एक इंपॉर्टेंट चीज, एक छोटा सा क्वेश्चन, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसके नेम की बिगिनिंग हो ए से और एंडिंग हो किससे फ्रेंड्स, मान लीजिए टी से, क्लियर। मेरा बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मुझे ऐसे स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसके नेम की बिगिनिंग हो ए से और एंडिंग हो किससे, टी से, यानी कि बिगिनिंग भी दे दी मैंने और एंडिंग भी बता दी, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया था, ए से बिगिनिंग ली थी, सेकंड वाले क्वेश्चन में हमने क्या लिया, एच से एंडिंग लिया, अब मेरे थर्ड क्वेश्चन के अंदर मुझे क्या चाहिए, मुझे ऐसा कोई स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसकी बिगिनिंग तो हो रही है ए से और एंडिंग हो रही है किससे फ्रेंड्स, टी से, बीच में कितने कैरेक्टर्स हैं, हो सकता है आपके पास में एक भी कैरेक्टर ना हो यहां पर, हो सकता है एक हो, दो हो, तीन हो, पांच हो, दस हो, कितने भी अलाउड है, क्योंकि मैंने कौन सा सिंबल यूज करा, परसेंट, बस बिगिनिंग किससे ए से एंड एंडिंग किससे टी से, अप्लाई करते हैं हमारा आउटपुट चेक करते हैं एंटर की प्रेस करके, आप देख सकते हैं कौन सा वाला रिकॉर्ड डिस्प्ले हुआ हमारे पास में, अंकित का रिकॉर्ड, क्लियर फ्रेंड्स। बात करते हैं हमारे अगले क्वेश्चन या अगली क्वेरी की जो कि इसी से के ऊपर बेस्ड होगी, मैं फिर से एक बार आपको फटाफट से टेबल डिस्प्ले करा देता हूं हमारा सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लगाकर, आप देख सकते हैं अब जो मेरी टेबल है मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए, क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, ध्यान से सुनने वाला है, अभी तक था ए से बिगिनिंग मिल गई, एच से एंडिंग मिल गई और बीच में कुछ भी डेटा हो सकता है, ए और टी से एंडिंग मिल गई, क्लियर, बिगिनिंग और एंडिंग मिल गई, अब मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसके नाम में एक बार भी ए यूज में आया हो, क्लियर फ्रेंड्स, मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसके नाम में ए कहीं पर भी हो, क्लियर, चाहे बिगिनिंग में, चाहे मिड में, चाहे लास्ट में, कहीं पर भी हो, बस ए होना चाहिए, तो कैसे क्वेरी लगेगी आप चेक कर सकते हैं, हम लोग अप्लाई करते हैं सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एस नेम लाइक, बिकॉज ये कह रहा है ए कहीं पर भी अलाउड है, तो हमारी कमांड क्या होने वाली है, परसेंट ए परसेंट, यानी कि अगर मैं इस चीज को यहां पर एनालाइज करूं तो अगर ये बिगिनिंग में ए है तो ये खुद को वर्क करेगा कैसे, ए परसेंट की तरह, अगर लास्ट में ए है तो ये खुद का यूज करेगा कैसे, परसेंट ए की तरह, और अगर मिड में ही ए है तो ये बिल्कुल परफेक्ट लगा हुआ है, तो आप देख सकते हैं किस किस के आउटपुट यहाँ पर डिस्प्ले होंगे, आप चेक करिएगा, अजय, अंकित, राजेश, शशांक, अक्की एंड भावेश, सबके नाम में ए कहीं ना कहीं मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं, अजय, अंकित दोनों में ए हमें मिल रहा है, राजेश में ए है, शशांक में है, अक्की में है, भावेश में, क्लियर। अच्छा इसी का एक और एक क्वेश्चन, इसी वाले बिल्कुल इसी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन एक क्वेरी और लेते हैं, मान लीजिए मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए जिसके नाम में एच कहीं पर भी मौजूद है, क्लियर, अब मैं बात कर रहा हूं किसकी, एच वाले सिंबल की, तो मैंने सिर्फ सिंबल चेंज करा, इस ए को हटाकर एच रखा, अब आप देख सकते हैं किस किस का रिकॉर्ड मिलेगा, एक तो हमें यहां से राजेश का रिकॉर्ड मिलने वाला है बिकॉज एच इसमें है, शशांक का रिकॉर्ड मिलने वाला है एंड भावेश का रिकॉर्ड मिलने वाला है, आउटपुट डिस्प्ले कराते हैं हमारा, हम यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं हमारे तीनों रिकॉर्ड आपके सामने मौजूद है, ये पर्टिकुलर अभी तक जो मैंने आपको जितने भी एग्जाम्पल कराए उसमें मैंने आपको यूज करना सिखाया, पहला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कौन सा, परसेंट, परसेंट का रोल क्या है, मल्टीपल कैरेक्टर सिलेक्शन, ये जो परसेंट हमारा यूज में आता है ये एक, एक से ज्यादा और एक भी नहीं, क्लियर, नन, वन और मोर देन वन कैरेक्टर्स काउंटिंग में इसका रोल है, क्लियर फ्रेंड्स। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट दूसरे वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स की जो कि हमें यहां पर यूज करके चल रहे एक कॉम्बिनेशन में, तो पहले डेटा देखते हैं हमारा, और क्वेश्चन मेरा बहुत सिंपल सा है,
ध्यान से समझने वाली चीज है और बहुत काम की चीज है। मुझे उस स्टूडेंट का डेटा चाहिए फ्रेंड्स जिसके नेम्स में थर्ड पोजीशन पे बिगिनिंग से क्या अल्फाबेट मिल रहा हो फ्रेंड्स, ए। लाइक आप देख सकते हैं इन तीनों रिकॉर्ड्स में मुझे बिगिनिंग से थर्ड पोजीशन पे क्या अल्फाबेट मिल रहा है, ए। क्या हम इसका आउटपुट चेक कर सकते हैं? आप देखिएगा, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम STUDENT स्टूडेंट हमने अप्लाई करा। नेक्स्ट वेयर एस नेम लाइक, किस तरीके से अप्लाई होगा फ्रेंड्स? पहले दो पोजीशन, एक दो, फिर हमने लिखा ए और फिर हमने लगाया परसेंट, यानी कि शुरुआत से दो पोजीशन पे क्या होना चाहिए? कोई भी अल्फाबेट हो सकते हैं, बट थर्ड पोजीशन पे क्या मिलना चाहिए फ्रेंड्स? ए मिलना चाहिए। आउटपुट आपके सामने है, पहला रिकॉर्ड किसका? अजय। दूसरा किसका? शशांक। एंड तीसरा कौन सा? भवेश। क्लियर फ्रेंड्स? तो यहां तक अभी तक हमने हमारे दो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर्स कवर अप करे। पहला वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर था हमारा परसेंट, जिसका रोल क्या है? मल्टीपल कैरेक्टर सिलेक्शन या मल्टीपल कैरेक्टर सिंबल बोल सकते हैं इसको, लाइक कीवर्ड के साथ में ये अप्लाई होता है। और दूसरा सिंबल जो हमारे पास में यहां पर है वो है एक सिंगल अंडरस्कोर। एक सिंगल अंडरस्कोर एक कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करने में या पहचानने में हमारी मदद करता है। क्लियर फ्रेंड्स? ये था मेरा पर्टिकुलर वीडियो ऑन लाइक कीवर्ड ऑफ सिलेक्ट कमांड। बहुत इंपॉर्टेंट है, पैटर्न मैचिंग ढंग से समझने वाली है, आपको क्लियर होना चाहिए कि आप किस तरीके से इन चीजों को अप्लाई करेंगे एंड कैसे पैटर्न्स को आप कंप्लीट करके चलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो, अगर आपको पैटर्न मैचिंग समझ में आई हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट ऑन द वीडियो। ऑल्सो शेयर द वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज मच एज यू कैन। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।